हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? इट्स मी मनाहिल इमरान। मनाहिल इमरान आपको क्या दिखा रही हैं, चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी आइस टमी को साफ कर लेंगे, एक वाइप्स लेंगे और उसे हम साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम काशी का बेस जो है देन अच्छे से हम अप्लाई करेंगे और अच्छे से जो है हम ब्लेंड कर लेंगे, ताकि हमारी जो आइस टमी है हम इस पर जो भी शेड यूज़ करें, जो भी अप्लाई करें, तो हमारी शेड अच्छी लगे, आई शेडो अच्छी लगे। तो अच्छे से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो है अपनी आईब्रो है वो सेट कर लेंगे अच्छे से। तो देखते जाएं गाइस, हमारे चैनल पे जो न्यू है तो जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी ये जो वैसे रोज़ तो वीडियो अपडेट नहीं होती है, लेकिन फिर भी बिज़ी की वजह से चलें, अब हम यही कह देते हैं कि हमारी जो वीडियो अपडेट होती है तो उसकी अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तो चले गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बेल आइकन से ये फ़ायदा आप लोगों को होगा कि जब भी हमारी वीडियो अपडेट होगी तो उसकी अपडेट जो है आप तक पहुंच जाएगी, मिल जाएगी। तो चले जी, हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो अपनी आइस डमी को अच्छे से जो है हम कंसीलर जो होता है वो हम लगा लेंगे शेड के तौर पर, ताकि हमें आई शेडो जो भी हम अप्लाई करें। अच्छा जी, मज़े की बात यह है, आज जो हम शेड बना रहे हैं तो इसमें जो हम शेड लगाएंगे, दो तीन शेड का हम यूज़ करेंगे और वो जाके हमारा जो है एक शेड है हमारा तैयार होगा, अच्छा सा क्यूट सा जो शेड है वो हम एंड में बताएंगे कि हम कौन सा शेड लगा रहे हैं। वैसे आप लोग अंदाज़ा तो लगा ही लेते हो यार, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ जो पहनी हुई होती है। चलें जी, आप लोग जो है अपना अंदाज़ा लगाएं और हम जो है एंड में आपको तैयार करके अपना जो शेड है वो हम दिखाएंगे। तो चलें जी, ब्राउन कलर जो है, ब्राउन शेड जो है हम अच्छे से है ब्लेंड कर लेंगे अपनी आइस डमी पे, और दोनों आइस पे हम अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। गाइस ये देख सकते हैं, हम अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो है देन हमने जो है फ्रोजी कलर जो है वो लिया है, क्योंकि हमने तो भाई शेड बनाने हैं ना, और कौन से शेड बनाने हैं ये आप अंदाज़ा लगाओ। और एंड में आप देखना कि हम जो शेड जो है हम तैयार बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो वो कौन सा शेड है, क्योंकि एंड शुरू में जो है मैंने आपको नहीं दिखाया कि हम कौन सा शेड बना रहे हैं, ठीक है, हमने दिखाया नहीं। मैंने कहा भाई थोड़ा सा सरप्राइज रखो ना भाई। तो चले जी, ये देखें हम। अच्छा जी गाइस, आप लोग वीडियो जो है मेरी एंड तक देखिएगा, और जो हम शेड अप्लाई कर रहे हैं तो हम कौन सा शेड बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ऐसे ही शेड बनाएं, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट इससे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम नहीं चाह रहे कि हमें ऐसा डार्क पर्पल कलर जो है बिल्कुल वैसा, इस टाइप का हम नहीं चाह रहे, हम थोड़ा सा जो है डिफरेंट चाह रहे हैं, तो अलग ही चाह रहे हैं ना, हमें चाहिए तो यही शेड, लेकिन हम थोड़ा सा इसे हट के चाह रहे हैं ना, तो इसलिए हम जो है दो तीन जो शेड है हम अप्लाई कर चुके हैं। और एंड में देखिएगा ये जो हम शेड बना रहे हैं, एंड में जो है ये कौन सा शेड ये बन के तैयार होता है। ब्लैक का हम टच दे देंगे स्मोकी के लिए, तो हम अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है जी। गाइस हम दोनों आइस में अच्छे से जो है हम जो है ब्लेंड कर लेंगे, ये ब्लैक का जो है हम टच दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पर ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का सा लाइट लाइट सा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये पर्पल कलर है, लेकिन ये थोड़ा सा ये चेंज है, थोड़ा सा ना, है तो वही शेड, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वही, ठीक है। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने इसको अच्छे से जो है ब्लेंड कर लिया है, और ये देखें हमारा जो शेड है माशाल्लाह से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे शुरू में जो हमने वो शेड हमने अप्लाई किया था, तो बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है, उससे थोड़ा हटके है और डिफरेंट है, ठीक है जी। तो हम इसमें जो है लाइट सा जो है ना जो ग्लिटर है, हम लाइट सा बहुत ही लाइट सा जो है हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, जहाँ से हमारा जो शेड जो लाइट हो गया था, तो हम उसे दोबारा से हम लगा लेंगे, तो अच्छे से हम नीचे जो है हाइलाइटर लगा लेंगे, ठीक है जी, ताकि गाइस हमारी आइस डमी जो है वो बड़ी क्यूट क्यूट लगे। तो आप लोग तो जानते हो ना गाइस के हम जो है हाइलाइटर जो है वो लाजमी हम कॉर्नर बनाते हैं, तो हम तो लाजमी लगाते हैं भाई, और हमें पसंद भी है। तो ये देख सकते हैं गाइस, हमने जो है आइस बना ली है, बड़ी प्यारी लग रही है हमारी जो आइस डमी है माशाल्लाह से। तो अब इस पर जो है लाइनर लगाएंगे, ग्लिटर लगाएंगे,
करेंगे, पहले हम ग्लिटर लगाएंगे। हमने ग्लिटर नहीं लगाया है, ठीक है। और पहले हम बता चुके हैं कि इस पे जो हम ग्लिटर का जो टच देंगे बहुत ही लाइट सा देंगे, और यही शेड हम देंगे लेकिन बहुत लाइट लाइट सा हम देंगे ना, ताकि हमारी आईज जमी ज़रा क्यूट क्यूट सी लगे। तो अब देख सकते हैं गाइज, हमारी देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और अब जो है हम इस पे नीचे जो है हम ग्रीन का जो है शेड देंगे, ठीक है जी। ये देखें हम ग्रीन नीचे जो आईज़ के नीचे जो है वो हम ग्रीन का शेड देंगे। फिर इसके बाद जो है हम इसके ऊपर पर्पल का जो है शेड देंगे हम, ठीक है जी। और फिर हम जो है अपने वाइप से साफ़ कर लेंगे जो भी डस्ट वगैरह। वैसे मैं बार बार जो है मैं साफ़ करती रहती हूँ, जो भी डस्ट होती है तो मैं अच्छे से मैं इसको रिमूव करती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैक का जो है हमने जो है ग्लिटर लिया है और इसे बहुत ही लाइट लाइट सा जो है हम इसे टच देंगे और अच्छे से जो है हम लगा लेंगे, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही हम आराम आराम से लाइट लाइट सा जो है हम टच दे रहे हैं अपनी आईज डमी को। और अभी हम दिखाते हैं कि हमारी आईज डमी जो है माशाल्लाह कैसी लग रही है और कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। तो अब इसके बाद जो है हम लाइनर हम लगा चुके हैं, मैंने वीडियो बनाई थी तो वो मुझसे रिमूव हो गई ना, क्योंकि गाइस उस वीडियो में मैं लाइनर लगा चुकी थी और मुझे पता नहीं चला कि वो यस का ऑप्शन देता है, मुझे यस करना था तो जल्दी जल्दी के चक्कर में वो वीडियो जो है मुझसे रिमूव हो गई। मैंने कहा चलो बनता है तो चलें जी, हम जो है आई लैशेज जो है लगा चुके हैं और फिर इसके बाद जो है लाइनर से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख ले माशाल्लाह हमारी आईज डमी जो है कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। और ये देख सकते हैं गाइस, और आज जो माशाल्लाह से अलग ही शेड जो है हमारी चूड़ियों से तो है, मैच तो हो रहा है शेड, और माशाल्लाह से जो हम चाह रहे थे तो वो हमने कर दिया। और मैं सोच रही थी ये जो हम दो तीन शेड जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं जो मैं चाह रही हूँ वो मैं कर पाऊँगी भी नहीं कर पाऊँगी। तो लेकिन देखें गाइस, कहते हैं बंदा क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, करने को आए ना तो सब कुछ कर सकता है। और माशाल्लाह से हमारा एक प्रोफेशनल काम है, अच्छा काम है ये नहीं कि हम आसमानों पे जानवर उड़ा रहे हैं, परिंदे उड़ा रहे हैं। जानवर तो नहीं उड़ा सकते, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, परिंदे उड़ा रहे हैं, ये तो हमारा माशाल्लाह से प्रोफेशनल काम है जो आप लोग देखते हो और देख के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो। और माशाल्लाह से मैं देख भी रही हूँ, मेरे तो माशाल्लाह से सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं और व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह से। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मनाहिल इमरान को इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।